फरीदाबाद में लोकसभा चुनावों को लेकर विभिन्न दल जो है चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, वही समर्थन और सहयोग का दौर जारी है। और इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में कल एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है और ये रैली आयोजित की जा रही है उद्योगपतियों की। जी हाँ, फरीदाबाद के IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा विशाल रैली का आयोजन भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया जा रहा है। आज रैली की तैयारियों का जायजा लेने तमाम उद्योगपति और IMT एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद है। देखिए, हजारों की संख्या में इस रैली में लोग शिरकत करेंगे। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, मंच लगभग तैयार हो चुका है। और देखिए क्या खास होगा इस रैली में, चलिए बात कर लेते हैं। प्रमोद राणा जी हैं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। प्रमोद जी, लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है लेकिन इस बार उद्योगपतियों में भी जोश देखने को मिल रहा है। क्या रैली का स्वरूप होगा और कितने उद्योगपति और जो कामगार हैं वो एक्सपेक्टेड हैं? पूजा जी, देखो आपने भी देखा है कि आने वाला समय अब बदल गया है। हर कोई राष्ट्र हित में और अपने हित में वोटिंग करता है। उसी की पहल IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन ने की है कि हम भी जो पार्टी जो सरकारें बिजनेसमैन के हित की सोचेंगे उनको हम भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। और ये हम पूरे IMT के लोग और IMT क्या फरीदाबाद के जितने भी उद्योगपति हैं वो सब यहाँ पे आएंगे और सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कब होगा सर ये आयोजन, कितने बजे मंत्री जी आएंगे? ये कल 5 बजे शनिवार है तो 5 बजे मंत्री जी यहाँ पे आएंगे और 5 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर जब वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे, किन मुद्दों को सोचकर वोट करेंगे? देखो, आज एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं यही कहूँगा कि जो भी BJP सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है उससे इंडस्ट्रीज काफ़ी ग्रो हुई है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के लिए होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो इंडस्ट्री बिजनेस ग्रो करता है और बिजनेस ग्रो करता है तो रोजगार भी बढ़ता है। जी, क्या माहौल लग रहा है सर चुनावों को लेकर? BJP दिख रही है, इसके आगे का कोई दूसरा विकल्प तो हमें दिख ही नहीं रहा। और BJP ही आनी चाहिए क्योंकि देश की एक संयुक्त संगठित अप्रोच जो इंटरनेशनल लेवल पे दिख रही है वो BJP का ही कमाल है। जी रश्मि जी, इस बार फीमेल वोटर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वोट को लेकर और जागरूक भी हो गया है, क्या कहेंगे एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, क्या कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को और क्या लगता है इस बार किसकी लहर चल रही है? लहर तो उसी सरकार की चल रही है जो इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प करती है। और एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं ज़रूर बोलूँगी कि अब जैसे पहले होता था डिपार्टमेंट से डर लगता था, कोई भी आ रहा है इंस्पेक्टर राज था, अब वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो हम उसी का साथ देंगे जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। बिल्कुल, क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र गोयल। देवेंद्र जी, उद्योग जगत कभी भी आगे आकर इस तरह से समर्थन नहीं देता है क्योंकि पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इस बार आप लोग IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आगे आई है, क्या सोचा, क्या 10 सालों में ऐसा देखा आपने? मैं अगर बात करूं तो हमारे प्रधानजी ने पहली ही पहल की है जो इंडस्ट्रीज आगे आए हैं इस बारे में। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया है। अब हम जो बिजनेस करते हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग की बात कर रहे हैं सर, क्या लगता है आपको कि भाजपा सरकार में ईज ऑफ डूइंग में उद्योगपति काम कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। एक बहुत ही सुरक्षा का सिक्योरिटी का माहौल बना हुआ है एक बिजनेसमैन के लिए, जो बिजनेसमैन की जो जरूरत होती है वो हम लोगों को मिल रही, इसलिए हमें ये लगता है कि मोदी जी का आगे विजन भी है आने वाले टाइम में, इसलिए हम लोगों को सबको उनका साथ पर सपोर्ट करनी चाहिए। संतुष्ट है आप उद्योगपति? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है हम लोग जी। सर क्या लगता है, मतलब मोदी मैजिक या राहुल गांधी, मोदी की गारंटी या हाथ बदलेगा हालात? मोदी की गारंटी चलेगी क्योंकि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो पिछले 10 साल से इस देश को कहाँ के कहाँ ले गए, विश्व गुरु की तरफ ले जाने वाले एक ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं को वोट देंगे। और उनके प्रत्याशी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं जो हमारे 3री बार जो सांसद बनके और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। बिल्कुल, देखिए IMT के उद्योगपति ही नहीं बल्कि जो अन्य संगठनों के उद्योगपति हैं वो भी भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, वोट देने की बात कर रहे हैं। उद्योग जगत सिर्फ यही चाहता है कि बिना डर के साए में जो है वो बिना किसी डर के उद्योग चला सके, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं और
भाजपा सरकार पर 10 साल के शासन पर विश्वास जताया है और इसी विश्वास के चलते कल आईएमटी के इस एक्सपो ग्राउंड में विशाल रैली उद्योगपतियों की भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में हो रही है। अब देखना ये होगा कि हजारों लाखों कामगार और हजारों सैकड़ों उद्योगपति जो हैं इस रैली के माध्यम से मतदान में कितना परिवर्तित हो पाते हैं और औद्योगिक क्षेत्र भाजपा की बढ़त को किस तरह से बढ़ाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।